लैंड स्कैम के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची PMLA की विशेष कोर्ट ने अंतरिम बेल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब हेमंत सोरेन अपने चाचा की अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो पाएंगे। दरअसल शनिवार को उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह आग्रह किया था कि उन्हें अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाए। बता दें कि इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने कोर्ट से 13 दिनों की अंतरिम बेल भी मांगी थी। इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। बता दें कि शनिवार की सुबह झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के बड़े भाई राजा राम सोरेन नहीं रहे। उम्र के आखिरी पड़ाव में बीमारी से लड़ते हुए आज उनकी मृत्यु हो गई। राजा राम सोरेन रांची में ही रहते थे। गौरतलब है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विगत 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर जमीन से जुड़े घोटाले के मामले में धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। पूर्व CM फिलहाल रांची की बिरसा मुंडा जेल में न्यायिक हिरासत में है। इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा सोरेन की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए ED को एक और सप्ताह का समय दिया गया है। बता दें कि पूर्व CM हेमंत सोरेन के विरुद्ध जांच रांची में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ी है। ED का आरोप है कि इसे अवैध रूप से कब्जे में लिया गया है। एजेंसी ने सोरेन प्रसाद और सोरेन के कथित राजकुमार पाहन और हिला रियास कच्छाप और पूर्व मुख्यमंत्री के कथित सहयोगी विनोद सिंह के खिलाफ 30 मार्च को यहां विशेष PMLA अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। हेमंत सोरेन ने रांची की एक विशेष अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित और उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर करने के लिए एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। लेकिन राज्य की विशेष PMLA अदालत ने भूमि घोटाले के एक मामले में उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।